वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन है जिसको मैं और सुबीन सुबह से लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सुबीन ने तो एक बड़े जनाब सख्त किस्म के एक दो सवालात भी शेख साहब के लिए तैयार करके रखे हुए हैं और आज हम बात करेंगे कि लव बर्ड्स यानी बर्ड्स या तोतों की को ब्रीड कैसे करते हैं। बड़ा खास अमल है, इसमें लोग कामयाब भी होते हैं और नाकाम भी होते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस फील्ड के तो एक स्टार हैं और पाकिस्तान में इनके इतने फॉलोअर्स और इनके इतने फैंस और इनके इतने स्टूडेंट्स हैं कि ये उनको सिखाते हैं कि लव बर्ड्स को उनकी ब्रीडिंग कैसे करनी है, इसको एक बिजनेस के तौर पे आप कैसे लेके चल सकते हैं, और अगर आपका शौक है तो कैसे मुमकिन बनाएं कि बिल्लियों के पंजे से इनको बचा के रखा जा सके और बहुत इन बीमारियों से बचा के रखा जा सके। वी आर सो वेरी हैप्पी कि नवीद शेख साहब आज हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू। अच्छा जी, ये बताएं कि सबसे पहले तो बताएं कि वो जो आपका मुश्किल सा वो क्या है जी, एविकल्चर। सबसे पहले तो ये बताएं आपके नाम के नीचे जो स्ट्रिप है उसमें भी आपने लिखवा है एविकल्चरिस्ट, ये एविकल्चरिस्ट क्या होता है? जिस तरह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है व्हिच इज रिलेटेड टू लैंड्स फार्म्स एटसेट्रा, एविकल्चर इज रिलेटेड टू बर्ड्स। ओके, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू बर्ड्स फेदर्स एंड दोज हु ब्रीड बर्ड्स उनको एविकल्चरिस्ट कहा जाता है। अच्छा, राइट। और आपकी इसमें स्पेशलिटी लवबर्ड्स? लवबर्ड्स ओनली, द लवबर्ड फैमिली उसके अंदर आप स्पेशलाइज जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, कैसे, क्या ये क्या कहानी है? बेसिकली ये जो लवबर्ड नाम है ना, ये एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम द वर्ड एगापोनिस, ये ग्रीक लफ्ज है। एगा मींस लव, पोनिस मींस बर्ड। अच्छा, और ये इंकशाफ किया गया इस बर्ड का इन 1887। अच्छा, तो 130 साल से ये लगातार ब्रीड हुई जा रहा है। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कि इसको इसके साथ लगाएं तो ये चीज निकलती है, ग्रीन और ब्लू के साथ लगाओ तो ग्रीन निकलता है, वो ग्रीन आगे ब्लू बच्चे निकालता है। तो इसमें इतनी एक साइंस है, इतनी खूबसूरती है कि जब आप ये बर्ड्स ब्रीड करवा जाते हैं, जब आपके पास एंड रिजल्ट्स निकलते हैं और आपको पता हो कि इनको आपस में लगाने से ये रिजल्ट निकलता है, आप बस उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। फिर आपकी कोशिश ये होती है आप हर चीज ब्रीड करवाएं। आपको कैसे शौक हुआ? मुझे अपने एक केयर टेकर को देखकर हुआ है, उसने कुछ चिड़ियां रखी थी फिंचेस। अच्छा, तो मैंने जब उसकी प्रोडक्शन देखी है, प्रोडक्शन के साथ जब मैंने रेट सुने हैं, मैंने चौकीदार को कहा या तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती या तुम गप मार रहे हो। मैंने कहा हो नहीं सकता, यानी इतने स्पैन के अंदर, दो महीने के अंदर पांच पांच छह छह बच्चे, एक बच्चा इतने हजार रुपए का, उसने सस्ती चीज रखी थी। ठीक है, मैं बस घुस गया। फिर मैंने हर किस्म के तोते खरीदे, फिर उससे मैं स्पेशलाइज करता गया, सीखता गया, फिर खुद सीखने के साथ लोगों को सिखाना शुरू किया। और कितने साल हो गए इस बात? Since 2009। अच्छा, और उससे पहले आप इंग्लैंड में थे? जी, और ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी, और फिर 2009 में आप पाकिस्तान आ गए? जी, पाकिस्तान आ गया, लाहौर। जी, और अब वहां पे ये अब आप लोगों को ट्रेन करते? होवा इस तरह था, आई स्टार्टेड ऑफ बाय फेसबुक, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने कहा जो कुछ गलतियां आम तौर पे मुआशरे में होती हैं वो लोग ना करें, ठीक है, लोग इससे फायदा उठाएं। वो करते करते फिर मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब के बाद फिर लोगों ने दावतें देनी शुरू की, फिर लोगों के घरों में बैठकर सिखाना शुरू किया। अच्छा। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता सिटी टू सिटी कैंपेन्स चल रही हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट यूजुअली। एग्जैक्टली, वहां पे वो सारे हम सेमिनार्स देते हैं जिसमें खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट, हमारा एक विजन ये है कि 22 करोड़ आवाम में से 48% मेन, 52% वुमेन, 11 करोड़ आबादी इस मुल्क की खवातीन है, ठीक है, एंड यूजुअली मोस्टली आर सिटिंग एट होम, अब वो घर बैठे कमा रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड मनी। ओके, ग्रेट। हमारे पास बहुत सी तस्वीरें भी हैं जी शेख साहब के तोतों की, लव बर्ड्स की। लव, अच्छा, आप इनको तोते क्यों नहीं कहते? तोते ही हैं, तोते ही है ना। वाह जी वाह। अच्छा, साथ साथ आप हमें शेख साहब कुछ बताते भी जाएं। ये तो इसके अंडे भी मुझे ब्लू लग रहे हैं नहीं? तो ये एक बॉक्स के अंदर जो है ना, ये बॉक्स के अंदर से एक तस्वीर ली गई है। इस बर्ड का नाम है वायलेट फिशरी, जिस तरह आज मैंने कपड़े पहने हैं ना, सो आई एम लाइक अ वायलेट फिशरी टुडे। ओके, ये अपना घोंसला बनाते हैं, कुछ ही नेस्टिंग मटेरियल होती है, ये अपना एक एक तिलका बॉक्स के अंदर खुद लेकर जाते हैं। अच्छा, और जब तक बॉक्स नहीं देंगे, जब तक कुची अंदर नहीं लेके जाएंगे, ये अंडा नहीं देगी। ये इसने खुद बनाया? ये इसने खुद बनाया। वाओ, सुभान अल्लाह, सुभान। तो इनका प्रोसेस ये है कि जैसे जब ये अंडा लेकर आती है तो 21 से 28 दिन के अंदर वो हैच होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइट मैंने लगाया, टॉर्च लाइट। अच्छा, तो आफ्टर 7 डेज हम देखते हैं कि ले किया हुआ अंडा, अगर उसमें ये सुर्खी नजर आ रही है, जी 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 हाँ, तो अगर ये सुर्ख होना शुरू हो जाए, वेन्स बन जाए, तो
तो इसका मतलब है कि ये फर्टाइल हो चुका है okay. और दो हफ्तों के अंदर अंदर बच्चा निकल आता है. अच्छा okay, nice. अब ये एक ब्लू फिशरी है. Beautiful. तो इसकी इस वक्त उम्र है तकरीबन कोई 35 से 40 दिन. 35-40 दिन जी. ओके और उसकी चोंच देखें कितनी खूबसूरत. अब ये तीन मुख्तलिफ कलर्स हैं और खूबसूरती ये है इसके अंदर एक पूरा आर्ट है. अगर आपको वो ब्लैक कलर का बर्ड नजर आ रहा है उसका फ्रंट जो है वो व्हाइट कलर का सारा. इस व्हाइट को प्योर रखना है और अगर आप डार्क कलर्स को आपस में ब्रीड करवाएं तो वो पिगमेंटेशन जो है ना वो व्हाइटनेस को जो है ना वो ब्लैक कर जाता है. अच्छा. तो पूरा आपने देखना कि किसको किसके साथ लगाना है. फ्रंट मेंटेन होना चाहिए पूरा. साइंस है. इट्स अ प्रॉपर. अब इसमें ग्रीन कलर्स हैं, ब्लू कलर्स हैं, मुख्तलिफ कलर के. आपको वो पर्पल कलर का नजर आ रहा है उसके पंजे में 761 लिखा हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. ये इनका रिंग कोड है. ये हम इनकी पेडिग्रीज मेंटेन करते हैं. ओके. अच्छा मतलब वो जिसके पांव के अंदर उसका नंबर लगा देते हैं. जी जी. ओके वाह वाह. अच्छा इतना छोटा सा जो बच्चा होता है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? वो तो जल्दी मर जाता है. अमूमन हम सुनते हैं कि अगर कोई न्यूबॉर्न पैरट है, बेबी है तो वो मर जाता है. इसके अंदर भी बहुत एहतियात करना पड़ता है. बॉक्स के अंदर जिस वक्त बच्चा ले होता है यू हैव टू मेक श्योर कि बॉक्स अंदर से ड्राई हो. ठीक है. तो जिस तरह इलेक्ट्रिक रंधे का बुरा नहीं होता तो वुड शेविंग्स, वो हम वुड शेविंग्स डाल देते हैं बच्चे के नीचे ताकि वो उसको गर्म रखे. फिर हमने खुराक का मेंटेन करना है. उसको हमने हाई प्रोटीन डाइट देनी है. ठीक है. बॉइल्ड एग्स इन द मॉर्निंग, कटे हुए फ्रेश वेजिटेबल्स, फिर उसके ऊपर हम कैल्शियम वगैरह, वो उसका पूरा ध्यान रखना होता है. अच्छा हम और तस्वीर भी है कंट्रोल रूम हमें बता रहे हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन शेख साहब ये बताएं कि अब तो मुझे लगता है आपकी ये अब एक नई जिंदगी है ना. ऐसा ही है. 2010 से पहले एक और जिंदगी गुजारी है, 2010 के बाद एक और लाइफ गुजार रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी सूदिंग लाइफ, वेरी रिलैक्सिंग. आप बैठे हो, बर्ड्स को देखें, आपके चंद घंटे यूं गुजर जाते हैं. हमारे दिमाग में कैलकुलेशंस भी चल रही होती हैं कि माशाल्लाह इतना महंगा बच्चा निकल आया, अब इसको ज्यादा करना है, इसको इसके साथ लगाने. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा ये बहुत पेइंग बिजनेस है इस वक्त. वेरी. ये एक एक सिंस 2009 टिल डेट मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं करता. ये एक कितने का बिकता है अंदाजन? ये 1000 रुपए से बच्चा शुरू होता है, 40 लाख रुपए तक एक बच्चा. व्हाट? 40 लाख रुपीस. ये नो. ये कौन सा 40 लाख वाली तस्वीर दिखाई? ये कौन सी ब्रीड है जो? ये डन फेलो. इसमें एक डन फेलो अपलाइन होता है. तो ये सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में फिलीपींस में ब्रीड हो रहे हैं. अच्छा. तो हमने चंद साल पहले ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए एंड नाउ वी आर ब्रीडिंग देम इन अ वास्ट क्वांटिटी. ये कोई खरीदता है आपसे? सर बेशुमार दुनिया. मतलब लोगों को इतना शौक है पाकिस्तान में कि वो 40 लाख का भी तोता लेने को तैयार होते हैं. जी. अरे वाह. जितना रेयर होता जाएगा उतनी उसकी कीमत बढ़ जाएगी. तस्वीरें दी हैं उसमें 40 लाख वाले की तस्वीर. जी 40 लाख वाला तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम. अच्छा अभी जो आएंगे 15 लाख रुपए वाला एक बर्ड. अभी जो तस्वीरें आएंगी आपने साथ साथ हमें प्राइस भी आपको बताता हूं. अच्छा जी अगली तस्वीर पे चलते हैं. दिस इज माय फर्स्ट खरीदा हुआ परिंदा. दिस इज अ क्रीमिनो. ये पूरी एक उसका जिस्म क्रीम कलर का होता है और इसकी आंख रेड है, रेड कलर. तो ये मैंने 2013 के अंदर ये म्यूटेशन खरीदी है एंड आई बोट इट फॉर 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपए. पीछे जाओ जी, पीछे जाओ. मैं 1.5 लाख का तोता कभी नहीं देखा. वापस जाओ. बच्चे तो बाद में आएंगे ना. ये तो ओए अब ये 1.5 लाख रुपए का एक बर्ड है और ये जो अगली स्लाइड आई है वो इसके बच्चे हैं. ये तीनों उसके बच्चे हैं. अब देखिए इन तीनों की आंखें लाल हैं, सूरत है और इसका एक एक बच्चा लाख लाख रुपए का बिकता रहा और आपने बेचे? जी बेचे, बेशुमार बेचे, many thousands. माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त. अब जिस तरह वो क्रीम है ये सारा व्हाइट है, इनकी भी आंखें लाल हैं. तो इस वक्त ये पाकिस्तान में हॉटेस्ट सेलर है. अच्छा वैसे ये बहुत रेयर है व्हाइट तोता, अब बहुत मुश्किल से आपको देखने को. जी जिस तरह वो इंसानों में अल्बाइनो नहीं होता ये परिंदों में भी अल्बाइनो. और ये कितने का होता है जी? ये 15,000 रुपए का एक बर्ड है. अच्छा ये शौकीन जो लोग हैं वो फिर खरीदते हैं? जी आप जैसे इसके आगे ब्रीडिंग करते हैं और मजे की बात ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है. अच्छा राइट. अब ये जो बर्ड है दिस इज अ पाब्लू इनटू अल्बाइनो. अब ये एक पूरी साइंस है. जो 1.5 लाख वाला तोता नहीं था वो कैसे प्रोड्यूस होता है? इन दोनों को आपस में लगाने से. अब देखिए इन दोनों बर्ड्स में किसी का कलर क्रीम नहीं है. ठीक है. इनको आपस में लगाने से कलर में डाइल्यूशन होगी. ठीक है. क्रीम कलर का तोता पैदा होगा जिसकी आंखें लाल होंगी. अच्छा आप जो लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं जी खासतौर पर खवातीन को, हाउसवाइफ्स को, कोई ऐसी स्टोरीज हैं आपके पास पाकिस्तान में जो कि उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया और अब हजारों लाखों रुपया कमा रही हैं?
लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. ठीक है. उनके साथ उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी घबराहट है कि मैं मार्केट में कैसे उतरूं. हालांकि शी वाज फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन रही है. ओके. तो उनको मैंने काम शुरू करवाया एंड उनको देखते देखते सो मेनी वुमेन एंटर द हॉबी एंड शी वाज अ रोल मॉडल फॉर मेनी. वो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनली हॉकी भी खेलती रही है. फिर जब वो बर्ड इंडस्ट्री में आई, शी टुक द बर्ड फर्टिलिटी टू अ नेक्स्ट लेवल. नहीं, इस वक्त आम खवातीन की अगर हम बात करें, कोई वजीराबाद, कोई नौशेरो फिरोज, कहीं मतलब कहीं पे भी ये काम हो सकता है. मैंने कर रही है. इसका टेम्परेचर से कोई है, गर्मियों वाला इलाका? रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है 26 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द. अच्छा. और ह्यूमिडिटी आपकी होनी चाहिए 50-60%. यानी अगर बहुत ज्यादा गर्मी है 40-45 की, तो आपने उसको मैनेज करना है. एसी लगाना है और उसको 26 पे लेके आना है. और बहुत सर्दी है तो 26 पे लेके. इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार है ए वेंटिलेशन का. अच्छा. हवा रुक गई, बीमारियां शुरू होती हैं. ओके. सो यू नीड ए वेंटिलेशन. पूरा एक साइंस है, लेकिन यू एंजॉय द प्रोसेस. कोई मुश्किल नहीं है. बिल्ली से कैसे बचाना है? बिल्ली से बचाने का काम यह है, अच्छा पिंजरा खरीदें जिसकी तार गेज अच्छी हो और थोड़ी ऊंचाई पे रखें. आज हमारे एक व्यूअर ने कहा, जी मिठू मेरा बिल्ली खा गई, मुझे बड़ा अफसोस. वेरी सैड है ना. सो कंडोलेंसेस. अच्छा जी, अगली तस्वीर पे बढ़ते हैं. यार शेख साहब, ये तो बड़ा, ये है 15 लाख रुपए वाला तोता. अरे इसमें दैट्स अ डन फेलो. ओके. अब इसमें और क्रीम वाले में क्या फर्क है? मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा. अब क्रीम वाला जो बर्ड है उसके कलर पिगमेंटेशन वेरी लाइट है. इसमें इसके बॉडी फेदर्स डार्क है. The darker the colors, इतना उसे 1.5 लाख से 15 लाख पे पहुंच गया सिर्फ कलर चेंज होने से. कलर चेंज, लेकिन लेकिन ये निकलेगा एक स्पेसिफिक म्यूटेशन से. यानी 1.5 लाख वाले तोते से ये 15 लाख वाला नहीं आ सकता. वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग है. अच्छा, वो जो ब्लू वाला इससे पहले आपने दिखाया था, उसकी क्या प्राइस? उसकी प्राइस शुरू होती है 10,000 से लेकर 50,000 तक. वो डिपेंडिंग अपॉन सभी ले सकती है. अब दिस इज ए ग्रीन डाइल्यूट अपलाइन. ब्यूटिफुल. अब ये लिटरली चमक मार दिया जिस तरह हाइलाइटर से किया होता है. ये बहुत प्यारा है. एंड दिस बर्ड इज फॉर 200,000 रुपीज. दो लाख रुपए का जी. अच्छा शेख साहब, ये वैसे आपस की बात है, ऑफ कोर्स आप हमें बता रहे हैं, तो ये वैसे लग रहा है कि ये पेंट किया हुआ है. जी ऐसा ही है. अल्लाह ताला का एक शान है. ब्यूटीफुल. अब ये ग्रीन पेल फेलो है. दिस इज फॉर 1.5 लाख रुपीज. और आप देख रहे हैं कि हर तस्वीर के अंदर उनके पंजों में ग्रीन डला हुआ है. जी जी. So we've maintained the pedigree of every bird. Okay. अब ये एक ब्लू यूविंग है. वाह वाह वाह. तो इसके देखिए, इसके परों के यूविंग क्यों बोलते हैं? इसके कलर पिगमेंटेशन के ऊपर एक पूरा एक यू बना होता है पीछे. तो फ्लाइंग फेदर्स के साथ अब एक ब्लू से एक पट्टी चल रही है. जब आप इसके पर बंद करें तो एक पूरा यू बना होता है. ऑलराइट. ये कितने का है? दिस इज फॉर 40,000 रुपीज. 40,000. ये वही बर्ड है. अब इसको हमने एक फोटो के स्टूडियो में डाला हुआ है. ये इनके फोटो शूट्स कैसे करते हैं? तो पूरे प्रोफेशनल फोटो स्टूडियोस है. ऐसे ही इसको अंदर डालते हैं पिंजरे में. फ्रंट पे एक सुराख बना होता है. जब बर्ड रिलैक्स होकर बर्ड स्टिक पे बैठता है तो बाहर से कैमरा लगाकर आराम से उसकी तस्वीर लेते हैं. कितनी देर लगती है एक तस्वीर पीछे? रेड डिपेंड्स कि आपने बर्ड्स को ट्रेनिंग कितनी दी है. अगर बर्ड यूज्ड टू हो जाए तो जल्दी 1 मिनट. ये कितने का है जी? ये ग्रीन ऑफलाइन बर्ड है. ये स्टार्ट होता है 20,000 रुपए से और यही बर्ड 2 लाख रुपए तक जाता है. कैसे? बहुत खूबसूरत. इफ इट्स कम आउट ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स, यानी उसको हम स्प्लिट बोलते हैं. जेनेटिकली वो जीन कैरियर होता है एक मुख्तलिफ कलर की म्यूटेशन निकालने के लिए. ओके. वो पूरा कैमरे में देख के फोटो. ये देखिए वही बर्ड अब स्टूडियो में. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. ये हैं लुटिनोज. जिस तरह वो हमारे अल्बाइनो थे, अब ये पीले कलर के लुटिनोज हैं. ये शुरू होती है 5,000 रुपए से लेकर 25,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड कलर क्वालिटी. नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल पैरट. वाह. अब ये लवबर्ड से बढ़कर एक फैमिली है गाला कॉकटूज की. Okay. तो ये आमतौर पे लोग पिन फेदर्स में बच्चा खरीदते हैं. जिसको आपने कभी देखा होगा, वो सिरिंज के जरिए से खिलाते हैं. कभी देखा आपने? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल. हैंड फीड के जरिए से वो खिलाते हैं. तो वो उस इंसान को अपनी माँ समझते हैं. उससे वो बर्ड मानूस होता है एंड वो चलते फिरते अपने साथ लेकर फिर रहे होते हैं. दिस इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया और इनकी लाइफ स्पैन 20 साल 25 साल. कई मकाओ तोते 110 साल तक उनकी उम्र है. अच्छा. और वो जो इनको फीड जिसने किया वो समझते हैं ये मेरी माँ है और फिर पूरी जिंदगी उसके आप साथ उसको पास बिठाएंगे, वो आपके साथ खेलेगा. एंड इट बिकम्स, मैं इसको पेट तो नहीं कह सकता, इट बिकम्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली. फैमिली. अच्छा, वैसे हम अमूमन इर्द-गिर्द जो स्टोरीज सुनते हैं, कहा जाता है तोते उड़ जाते हैं जल्दी. मतलब एक छोटा
इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली में एक स्टोरी है. वो इतना छोटा सा बेबी पाला, उसको सिरिंज से खिला खिला के, एंड देन जरा मौका मिला, उड़ गया तोता और दोबारा वापस. बर्ड्स को आप टाइम ही नहीं देते हैं ना. तो वो मानुषियत जरा खत्म हो जाती है. अच्छा, आप जितना करीब रखेंगे फिर ज्यादातर लोग करते हैं. आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, वीडियोस में, या कहीं फैमिलीज के अंदर के तोते क्रॉलिंग कर रहे हो, उड़ते नहीं है, वो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं अपने पंजों पे. उनके फ्लाइंग फेदर्स वो प्लक कर देते हैं, कट कर देते हैं. अच्छा, ताकि वो बर्ड उड़ नहीं सके. अच्छा शेख साहब, इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके. इट्स सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू एंड सी द पिक्चर्स. लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है. चाहते चाहते मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया था एक्सपोर्ट का जी, ये क्या एक्सपोर्ट, अब इसको किस तरह एक कौमी सतह के ऊपर एक नेशनल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाई जा सकती है? जितने लोग इस वक्त इसको नेशन वाइड कर रहे हैं एंड दे अर्निंग मनी, जारी बात है इसका एक फ्यूचर एक्सपोर्ट की तरफ होना चाहिए. बिकॉज इन पाकिस्तान हमारी एक खूबी है अल्लाह ताला की तरफ से, वी हैव फोर सीजन. हम लिटरली, हमारे पास विंटर्स हैं, समर्स हैं, स्प्रिंग है, ऑटम है, एंड वी एंजॉय दोस वेदर्स. हमारा तोता इम्यून है विद ऑल फोर सीजन्स. ठीक है, तो हमारा तोता जहां पे फुल सर्दी होती है उधर भी जा, वहां पे जाके सर्वाइव कर सकता है. जहां पे फुल गर्म है वहां पे जाके सर्वाइव हो सकता है. और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको कारोबार नहीं समझते, या वो कहते पता नहीं कबूतरों की तरह, मुर्गियों की तरह, ये क्या है. लेकिन नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद वर्कशॉप्स, विद अवेयरनेस, थैंक्स टू सोशल मीडिया, बहुत पढ़ा लिखा तबका है. अब लोगों का ख्वाब होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना. वो डॉक्टर बनने के बाद तोते ब्रीड कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के बाद तोते ब्रीड कर रहे हैं. बेटे क्या करोगे बड़े होके? जी मैं बड़े होके तोते ब्रीड करूंगा. ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहेंगे मैं अपने बेटे को तोता ब्रीडर बनाऊंगा. साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड मेनी मेनी अदर कंट्रीज, उनकी इंटरनेशनल रेमिटेंस इस थ्रू एग्रीकल्चर. हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास वक्त है. क्या ख्याल है, हमारे पाकिस्तान में वक्त है ना? वेले, टोटल वेले. और हमारे पास नवीद शेख जैसे ट्रेनर्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज है. आई एम सो हैप्पी टू मीट यू. थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो. बहुत मजा आया. जज़ाकअल्लाह. और सबीन, मैं तो हैरान हो गई हूँ. 40 लाख, 15 लाख, 2 लाख. अब आप लोगों को मैं तोते लगवा के छोड़ूंगा इंशाल्लाह. मैं तो मुझे लग रहा है अभी शो खत्म करने के बाद मुझे लग रहा है कि क्योंकि ना भाई कंट्रोल रूम मुझे ये कह रहा है कि ये पहले हमें लग रहा था कि आप सही प्राइसेस बता रहे हैं कि नहीं. कंट्रोल रूम ने अभी हमें पता क्या बताया, कह रहे हैं बाहर शेख साहब जिस गाड़ी के अंदर आए वो गाड़ी आप देख लें, आपको पता लग जाएगा बाकी 15 लाख का तोता होता है. हाँ जी वाह, माशाल्लाह. सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. एंड सर, आप जैसे शख्सियत जो कि यू आर अ ब्रिज बॉर्न पाकिस्तानी, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए और अपना ओढ़ना बिछोना अपने लाहौर को, पाकिस्तान को बना लिया, और कितनी लाइव्स आप बदल रहे हैं, कितने लोगों को. अगर इजाजत हो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. बहुत सारे लोग हुकूमती सतह पे एज इंडिविजुअल्स ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे फीडबैक ये दिया, जब से हम तोते ब्रीड करवा रहे हैं, लाइफ में एक स्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन, सुकून के साथ एक खुद मुख्तारी, एक अल्लाह ताला की तरफ से कनात होती है कि रिश्वत नहीं खानी, हराम नहीं करना, हक हलाल कमाई करनी है. एंड बहुत सारे घराने पाकिस्तान में, लाखों फैमिलीज इन तोतों की वजह से उनका निजाम चल रहा है. तो दे लुक टुवर्ड्स मी एंड मेनी अदर इंस्पिरेशन लीडर्स जो इस काम में हैं, कि आप लोग हमारे लिए कुछ करें ताकि ये लॉन्ग टर्म चले, हमारी नस्लें ये खाएं. तो मैं अभी पिछले दिनों दुबई गया था फॉर दिस, एंड आई मेट सर्टेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम द रॉयल फैमिली टू, फ्रॉम द रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. तो मैं रिक्वेस्ट ये कि अगर ऑफिशियल तरीके से हम इस पे काम करें और लोगों को हम सपोर्ट करें, वो घराने जिनका सब कुछ चलता है इस बुनियाद पे है, तो लाखों खानदानों की दवाएं और रोजगार पैदा होगा इस मुल्क में. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. नवीद शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है कि हम आपसे इजाजत चाहें. आज भी बहुत ही दिलचस्प नशिस्त रही. Exactly, लेकिन आपने हमें ये जरूर बताना है कि क्या आपने इतना महंगा तोता खरीदा है कभी कि नहीं खरीदा, आपके पास कौन सी ब्रीड है, और साथ साथ आप हमें ये बताएंगे कि अभी तक सबसे महंगा आपने कौन सा तोता खरीदा है. मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं क्या वो इसको फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने भी रखा है, क्योंकि अमूमन इस पर हम बात नहीं कर रहे होते. Exactly. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़.